हेलो रिवन, वेलकम टू माय चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अपने नीट स्टेट कोटा काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गाइस, हमारे पास एक नया अपडेट आया है। ये जो अपडेट आया गाइस, वो आया है ओडिशा स्टेट से। ओडिशा स्टेट का बारे में बताऊँ तो गाइस, इससे पहले भी इसका नोटिस जारी किया गया था। 29 नवंबर से इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था, लेकिन आप सभी को पता है जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, उसके कारण उस काउंसलिंग को उसने पोस्टपोन किया था ओडिशा ने। अभी इसका नया नोटिस जारी किया है और नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन का। बात करेंगे इस पर इस वीडियो में। साथ ही क्या आउटसाइड ओडिशा के कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नोटिस देख लेते हैं। सो गाइस, नोटिस आप देख सकते हो, आप यहां पर पढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 12th जनवरी। ठीक है, डिटेल इसका शेड्यूल भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप इसकी वेबसाइट नोट कर लीजिए, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी काउंसलिंग कौन सी आपको विजिट करनी है, वो है www.ojee.nic.in, इस वेबसाइट को नोट कर लीजिए। दूसरी वेबसाइट है www.odishajee.com। ठीक है, ये दो वेबसाइट आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं गाइस शेड्यूल। शेड्यूल पर जाने से पहले आपको गाइस बता दूँ, ओडिशा एक क्लोज स्टेट है, यानी कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अगर आपके पास ओडिशा का डोमिसाइल नहीं है, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं ओडिशा काउंसलिंग में। चाहे आपको 85% स्टेट कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करना हो, या फिर प्राइवेट कॉलेज की बात करें, प्राइवेट कॉलेज में भी अदर स्टेट के कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, केवल ओडिशा के जो डोमिसाइल कैंडिडेट है वही उनमें एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि ओडिशा में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, दो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है ओडिशा में, उसके लिए आप भले ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट्स के लिए काउंसलिंग एमसीसी ही कराता है। ठीक है ना, तो उसके थ्रू जो है आप ओडिशा में एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं ओडिशा के, उनकी स्टेट काउंसलिंग में केवल जो ओडिशा के डोमिसाइल कैंडिडेट है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 100% सीट प्राइवेट कॉलेजेस की, और साथ ही 85% स्टेट कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की सीट। ठीक है, सो गाइस, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 12th जनवरी से, लास्ट डेट रहेगी 18th जनवरी तक। इसी के साथ में आपको फीस डिपॉजिट करानी होगी और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो 18th जनवरी लास्ट डेट रहेगी इसकी अप्लाई करने की। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है तो आपको 19th जनवरी तक का समय दिया जाएगा, अगर कोई भी करेक्शन आपको कराना है तो उसके लिए। इसके अलावा रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा, एक दिन के लिए इनको डेटा का एनालिसिस करेंगे 20th जनवरी। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी 24th जनवरी को। फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग करेक्शन है तो आप रेज कर सकते हैं क्वेरी 25th एंड 26th, दो दिन का समय दिया गया है। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट 27th जनवरी को। तो ये शेड्यूल है, अभी केवल पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट तक का ही शेड्यूल जारी किया है। हालांकि अभी कंप्लीट फर्स्ट राउंड का जो शेड्यूल है वो नहीं आया है, तो आप वेबसाइट के टच में रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। सो गाइस, अभी यही अपडेट था, ये आधा ही शेड्यूल अभी जारी किया गया है काउंसलिंग का। जैसे ही कोई अपडेट आएगा और बाकी सभी स्टेट कोटा काउंसलिंग के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वॉचिंग। सो गाइस, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आप सभी लेकर है अनअकैडमी प्रोडजी, जो कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट तो है, साथ ही यहाँ पर आप सभी के लिए ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस एंड रिवॉर्ड्स हैं आप सभी के लिए। यहाँ पर आपको मिल सकता है मौका 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीतने का, तो जरूर से एनरोल कर लीजिए। 7th, 8th, 9th, 10th इंजीनियरिंग मेडिकल एस्पायरेंट्स में एनरोल करा सकते हैं, क्लास 12th, 11th ड्रॉपर्स से भी एनरोल करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसका फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है 23rd जनवरी से, एनरोल कर लीजिए, फ्री है सभी के लिए। स्कॉलरशिप स्लैब भी आप देख सकते हैं, 100% से लेकर के 15% मिनिमम तक आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो, तो जरूर से एनरोल करा लीजिए। इस 23rd जनवरी से स्टार्ट हो रहा है पहला टेस्ट होगा इसका, सेकंड टेस्ट 29 जनवरी को, थर्ड टेस्ट 6 फरवरी को एंड फोर्थ टेस्ट 13 फरवरी को। एनरोल कराने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही अगर आपसे कोई भी कोड पूछा है तो बिंग डॉक्टर कोड जरूर से अप्लाई कर दें, जरूर से एनरोल करा लीजिए बिना देर के। इसके अलावा कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 22 एंड 23 एस्पायरेंट्स के लिए, अल्फा अचीवर बैच स्टार्ट हो रहा है 22 एस्पायरेंट्स के लिए, 23 एस्पायरेंट्स के लिए अल्फा लीडर बैच स्टार्ट हो रहा है। दोनों ही बैचेस 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पर। कोई भी अनअकैडमी से जुड़ करके अपनी पढ़ाई, अपनी नीट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहता है तो आपके लिए बेस्ट ऑफर अभी चल रहा है। अगर आप 6 मंथ्स का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या आइकोनिक, तो आपको 1 मंथ फ्री दिया जा रहा है, 1 मंथ का एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 18th मंथ पर आपको 2 मंथ्स फ्री दिया जा रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन, और 24 मंथ्स पर 3 मंथ्स का फ्री दिया जा रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, साथ में आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के साथ बेनिफिट ये है कि आपको आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 मंथ के या 12 मंथ्स का जितना भी आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपके घर पर डिलीवर किया जा रहा है अनअकैडमी द्वारा। इसके अलावा अनअकैडमी मेगा कॉम्बेट भी जरूर दीजिए, इस 16 जनवरी को कंडक्ट किया जाएगा 11 बजे, एनरोल करा लीजिए, सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, इसका सिलेबस भी आप देख सकते हो। थैंक यू।